नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएफ लाइव इंडिया। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, रोज कहीं ना कहीं हो रही हत्याएं इस बात की गवाही दे रही है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और जहां मन कर रहा है वहां अपराधियों द्वारा गोलियां बरसाकर लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। बलात्कार, लूटपाट सहित अन्य घटनाओं से लोग सहमे सहमे दिख रहे हैं। वहीं जंगल राज के लिए भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर अपना अपना दामन बचाने में लगे हैं। लालू राबड़ी राज को जंगल राज कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में क्या मंगल राज है? इस पर व्यापक चर्चा तो हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी अभी जो खबरें सामने निकल कर आ रही है उसे जानकर यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि सुशासन के राज में विपक्ष की कौन कहे सत्ता पक्ष के भी विधायक बेलगाम हो गए हैं। पुलिस जिला नवगछिया के पर्वता थाना क्षेत्र स्थित एक होटल संचालक द्वारा लगाए गए आरोप में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने होटल संचालक से न केवल रंगदारी मांगी है बल्कि गोली मार देने की भी धमकी दी है। हमेशा से अपने कारनामों से सुर्खियां बटोरने वाले सीएम नीतीश कुमार के चहेते विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर इसलिए खासे सुर्खियों में हैं क्योंकि पर्वता थाना क्षेत्र स्थित मुकेश लाइन होटल के संचालक नरेश मंडल ने प्रत्येक महीने 50,000 की रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर मुकेश लाइन होटल के संचालक नरेश मंडल ने आरोप लगाया है कि जदयू विधायक गोपाल मंडल ने उन्हें गोली मार देने की धमकी देते हुए हर महीने 50,000 रुपये रंगदारी देने की मांग की है। नरेश मंडल का कहना है कि विधायक गोपाल मंडल अपने 4 गुर्गों के साथ उनके होटल पहुंचे और प्रत्येक महीने 50,000 रुपये बतौर रंगदारी देने की मांग की है। हालांकि इस मामले में ना ही पर्वता थाना पुलिस कुछ कहने को तैयार है और न ही बड़बोले विधायक गोपाल मंडल किसी तरह का बयान देने को तैयार हैं। विधायक गोपाल मंडल से जब पूछा गया कि आपके विरुद्ध हथियार लहराकर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है तो उसके द्वारा कहा गया कि आवेदन में जो भी दिया गया है उसको लिख दीजिए, हम कोई बयान नहीं देंगे। बात अलग है कि नवगछिया के पुलिस कप्तान पूरन झा से जब इस संबंध में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया पीड़ित द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल स्थानीय लोग दबे जुबान से कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच कब तक होगी और दोषी पाए जाने पर विधायक गोपाल मंडल के विरुद्ध कार्रवाई होगी भी या नहीं, और आरोप अगर निराधार निकला तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध कैसा रुख अपनाया जाएगा। वैसे इस बात को कभी नहीं भुलाया जा सकता है कि यह वही गोपाल मंडल है जिन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक मामले को लेकर ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कहे जाने वाले नवगछिया के एसपी पूरन कुमार झा के विरुद्ध ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे जिसे सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से कहना शायद नहीं चाहेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो। था जदयू का ही मीटिंग था, यहाँ बीस सूत्री का अध्यक्ष का मेंबर बनाने का, तो एमपी साहब कह के गया उसको, वीरेंद्र सिंह को एमपी साहब कहा, अजय मंडल कह गया कि मेरे मतलब मेंबर सब बना करके लिस्ट दे दीजिएगा, हम भेज देंगे। ये क्या सब प्रखंड अध्यक्ष आया था, हम चले गए थे नगुछिया कोर्ट, हम यहाँ थे नहीं, तो सब प्रखंड अध्यक्ष आया था और लिस्ट उस्ट बनाया जब वहाँ उधर से आए थे करीब 7 बजे लगभग, देखें गोपाल मंडल के टेलीफोन कब किया था हमने देखे थे, तो गोपाल मंडल के टेलीफोन इधर से लगाए तो कहे कि अंदर है बाबू, तो हमारा विरोध में बैठकी वहाँ करे छो, विरोध में वीरेंद्र रहो मारबे डंगे पे तोड़ो धनुका मारबो आबै छो होटलों पर, होटल तोरा बंद करा देबो, होटल तोरा बंद करवा देबो, और कि कहे राजनीतिक तोरा गण देखे में आबि रहलो छो। कौन बोला? गोपाले मंडल खुद। कौन है ये? हैं कौन है ये? गोपाल मंडल विधायक वही बोला टेलीफोन, हम भी पहुँच रहे हैं, आप चले आइए, हम भी तैयार हैं, जो करना होगा कीजिएगा, तो आप ही मत बुझिए कि मतलब तीनों जीवी आरू लुख रहा है के गाड़ी दिया है, हमारा माँ बहुत धर्मात्मा माँ है और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप आइए। उस टाइम में तो नहीं आया, लेकिन सरे 12:15 बजे रात में हम यहीं से पटाए हुए तो आया था लोग, 4 आदमी गलमोची था बना हुआ, बोला कि गोपाल मंडल के विरोध में तुम क्या कर, काहे तुम विरोध करता है उसका, काहे मीटिंग बैठाता है, पार्टी लोग बैठाता है, क्योंकि उसके विरोध में यहाँ मत बैठाओ, अगर बैठाना है तुमको जान मार देंगे। कौन बोला?
वो उसको पहचानते नहीं है कौन है नहीं है, बल्कि ठीक है दूसरी बार ऐसा गलती नहीं करना। तो गाड़ी चला गया नौछा की तरफ, चलिए 12:45 बजता होगा, हम इसी जगह सोए हुए थे, रंगदारी देना होगा 50,000 महीना, हाँ ये भी बोला वो आदमी के लिए, ठीक है जाइए, हाँ दूसरी दिन विरोध में नहीं बोलना है, हम यही थे क्योंकि उस दिन ऊपर में सो गए थे हम। तो गाड़ी वाला सीधे चला गया, सफारी गाड़ी था, समझे न, फिर क्या हुआ? फिर वो चले गया, चले गया, गने के बाद तो सवेरे उठे, एमपी साहब को टेलीफोन किए, एमपी साहब पहुंचा, बैठ करके विचार किए सब पार्टी, अजय मंडल, अजय मंडल आया, विचार किया सब आदमी, सब कार्यकर्ता था कि नरेश बाबू आप क्या चाहते हैं, कहिए हम गोपाल मंडल के ऊपर केस करना चाहते हैं, कल के आपके हम साथ हैं, कहिए उस सब जाति को आज तक कर्म कर दिया है, किसी जात को छोड़ा नहीं है, और गाड़िये से बात करता है, गोपाल मंडल आज तक हम उसी के हजूरी बजाने के लिए नहीं गए हैं, हमारे विरोध में वो रहता है लेकिन हजूरी बजाने के लिए हम नहीं गए हैं, इस लेकर के केस हम करेंगे, तो कोई डर शक उससे के लिए क्या डर।